राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार में है। बिहार के पूर्णिया में वो किसानों के बीच पहुंच गए सर पर पगड़ी बांध के। देसी लुक में राहुल गांधी आज दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो वर्तमान की सरकार है वो किसानों की बात करने वाले लोगों के खिलाफ किस तरीके की बातें कर रही है, करते रहती है। पहले जब हम राजनीति में नए नए आए थे तो मेरे बारे में मीडिया कितनी अच्छी अच्छी बातें चलाती थी, लेकिन अब चलाती ही नहीं है। राहुल गांधी का जो दर्द है वो भी छलका। राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से केंद्र की सरकार लगातार उनके ऊपर हमलावर है, उन तमाम सवालों का जवाब देखिए देसी अंदाज में किस तरीके से राहुल गांधी दे रहे हैं। मोदी जी का पहला काम पार्लियामेंट में आकर इस बिल को रद्द करने का था। तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। कानून के मुताबिक अगर यह जमीन इस्तेमाल नहीं की गई जानी चाहिए, यह कानून है। मगर यहां पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिकरण बिल के कानून को तोड़ दी। तो मैं ये आपके लिए जरूर पार्लियामेंट में उठा सकता हूं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मोदी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें, मगर मैं आपके लिए उठा तो पहले राजनीति में आया तो मेरे बारे में मीडिया बहुत अच्छी तरह लिखती थी, आपको याद होगा। और फिर मैंने उत्तर प्रदेश में भट्टा परसोल एक जगह है, वहां जाकर मैंने जमीन का मामला, किसानों की जमीन का मामला जाके छेड़ दिया। उसके बाद हिंदुस्तान की पूरी मीडिया मेरे पीछे पड़ गई, बिल्कुल उनका बर्ताव बदल गया। क्यों? क्योंकि जो किसानों की जमीन की बात थी उसको मैंने जाके उठा दिया। उसके बाद भट्टा परसोल के बाद यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने जमीन अधिकरण बिल पार्लियामेंट में पास किया। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब आप लोग हमारे माननीय राहुल गांधी जी खड़े हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप हमारे बीच आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब ये अनिरुद्ध भाई है जो अपनी बात को समाप्त करते हैं। पता नहीं चल रहा है ना हम लोगों के यहाँ कोई खास लोग हूँ जिसके वजह से हम लोग आगे पीछे देख सकते हैं। और दूसरा समस्या है यहीं पर आपके पीछे दो प्लॉट के बाद SSB कैंप बनने जा रहा है, जो हम लोगों की जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया है आज से 10 साल पहले, जिसकी कीमत यहाँ पर पर बीघा 2 लाख रुपए बनाया गया है। जबकि अभी के वक्त इस संबंध में हम आपको एक दरखास्त दे रहे हैं कि हम लोगों की जमीन को खाली किया जाए, 1 नंबर की जमीन है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया,
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।